सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने में। तो पहला जो पॉइंट है वो है, गाड़ी को ऑन करने के बाद लोग अचानक से उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए और क्या उससे होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम पहले से ही गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब एक मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आप सुनिएगा, एक साउंड आएगा जो कि मोटर फ्यूल पंप का साउंड होता है। और ये मैंने ऑन करी, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बीप टाइप की साउंड होगी। तो अब करना क्या है कि ये जब साउंड पूरी हो जाए उससे पहले हमें गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है। अगर उससे पहले आप गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है, कि आपका जो फ्यूल पंप है जो वो आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर रहा है, वो फ्यूल को उठा रहा है। अगर आप उससे पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप अगर स्टार्ट कर देते हैं उसे, तो होता ये है कि आप जो है उसकी वर्किंग के बीच में ही या फ्यूल जो पंप उठा रहा है उसके बीच में ही आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे होता ये है कि फ्यूल पंप जो है कायदे से फ्यूल नहीं उठा पाता है और आपकी गाड़ी भी जो है हो सकता है कि दिक्कत कर जाए, क्योंकि प्रॉपर उस जो है इंजन को फ्यूल नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड बात है कि आपको कोल्ड स्टार्ट ज़रूर करना है। कोल्ड स्टार्ट से होता क्या है कि आपकी गाड़ी अगर 12 घंटे से ज़्यादा खड़ी हुई है, या आप जो है 2-3 हफ्ते के लिए आपने यूज़ नहीं किया, या 2-3 दिन के लिए भी आपने छोड़ दी है, तो उसमें जो है ना सबसे पहले जब आप आएंगे तो उसको जो है फ्यूल पंप की ये जो आवाज़ मैंने इसके बारे में बताया आपको, वो पूरी होने के बाद आप उसको जो है मिनिमम 2 मिनट के लिए, या जब तक आपके RPM मीटर दिया हुआ है वो अगर आपका 1400 से जो है 1300 के बीच में नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो है उसको आइडियल कंडीशन पे ही रखना है, उसको स्टार्ट करके छोड़ देना है। जैसे कि मैं अभी फिर से आपको दिखाऊंगा स्टार्ट करके, और जो ये आवाज़ होगी ये बढ़ी हुई होगी, आप नॉर्मल आवाज़ से थोड़ी सी बढ़ी होगी क्योंकि इसका RPM बढ़ा हुआ होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, अब देखिए ये आवाज़ आ रही है, इसको पूरा होने दिया मैंने और अब मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी। तो देखिए अब ये जो बढ़ा हुआ RPM है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इस तरीके से आवाज़ आ रही है इसकी। जो है आपको एक्सेलरेट करना है, इसको अपने आप जो है आइडियल कंडीशन पे ही चलने दीजिए, उसके बाद ये धीरे धीरे करके जो है अपने आप ही ये RPM को डाउन कर देगा। अब इसमें होता क्या है कि इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों हम करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो इसमें होता कि ये है कि आप जब आपकी गाड़ी जो खड़ी हुई कंडीशन में होती है तो आपका जो ऑयल सम्प है जिसमें सबका आपका जो मोबिल है, जिसको बेसिकली मोबिल बोलते हैं, आपका इंजन ऑयल जो है वो आपका जो है नीचे बैठा हुआ होता है। तो आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो ये जो है ना मोबिल जो है आपका वो सर्कुलेट करने की कोशिश करता है पूरे इंजन में। तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सारे आपके क्या कहते हैं ल्यूब्रिकेट हो जाएं अच्छे से। तो जब आप जो है गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे या चलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक स्मूथनेस आ जाएगी और वो जो है इंजन जो है ना आपका बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। इसलिए आपको जो है कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कोल्ड स्टार्ट सिर्फ जाड़ों में ही किया जाए, उसको जो है गर्मियों के दिन में भी किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप गाड़ी कई दिनों से खड़ी कर रखी है, या आप जो है डेली टूर वाले भी हैं और आपने जो है सुबह अपनी गाड़ी को पहली बार स्टार्ट किया है, तो आप कोल्ड स्टार्ट जो है ज़रूर करिए, उसको थोड़ी देर अपने आप आइडियल कंडीशन पे छोड़ दीजिए, उसके बाद उसका RPM अपने आप डाउन हो जाएगा, आप जान जाएंगे। पहली बार तो आपको जो है RPM मीटर से पता चल जाएगा, और अगर आपके में RPM मीटर नहीं है, आपकी गाड़ी पुरानी है जैसे कि मेरी है, और तो उसमें जो है आपको खुद फील हो जाएगा कि जो है थोड़ी सी आवाज़ इंजन की कम हो गई है और वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गया है। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा गियर पोजीशन की भी।
तो आपको जो है ना जब गियर शिफ्टिंग करनी है तो गियर शिफ्टिंग में आपको पूरा पैडल दबाने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप बीच में कहीं छोड़ देते हैं आधा, तो पहली बात तो गियर प्रॉपर तरीके से पड़ेंगे नहीं, और फिर जो है ना उसमें होगा क्या कि बेसिकली काम क्या होता है क्लच का कि जो गियर बॉक्स है आपका, गियर बॉक्स से इंजन को जो है डिस्कनेक्ट करने का होता है, ठीक है। तो अगर आप पूरी तरीके से जो है क्लच को पूरी तरीके से नहीं दबाएंगे तो होगा क्या कि वो आधा डिसएंगेज होगा और आधा इंगेज होगा, ठीक है। मतलब आधी तरीके से जुड़ा हुआ होगा और आधी तरीके से वो नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो होगा क्या, आप जब स्मूथ गियर डालने की कोशिश करेंगे तो वो अटकने की कोशिश करेगा। सो इस तरीके से आपको जो है पूरा क्लच ही दबा के आपको गियर डालना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए, और इस चीजों का अगर ख्याल करते हैं तो आपकी जो इंजन लाइफ है वो काफी अच्छी हो जाएगी और थोड़ा सा खर्चा कम बैठेगा आपका। सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर लोगों को नहीं मालूम है तो पता हो जाए। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है, मैं रील्स अब डालने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी ऐसी रील्स, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ मैं क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा कुछ वीडियोस डाल के कि इंजन के क्या पार्ट्स हैं या क्या वर्किंग है उन सब की। तो अगर वो आपको वीडियोस पसंद आएंगी तो मैं और भी डालूंगा। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो मिलते हैं फिर जल्दी।